सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके पेट्स एंड एनिमल बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो में पता लग गया होगा आपको थंबनेल देख के क्या करने वाले हैं। ये मेरे कबूतरों स्टोरी लाइन की पार्ट टू है। पता लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो मैं अपने कबूतरों की स्टोरी लाइन का ये पार्ट टू है। इस वीडियो में आगे की कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पार्ट वन देखें, नहीं तो समझने स्टोरी लाइन आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। तो जिसने नहीं देखा सबसे पहले पार्ट वन जाके देखे। तो हम स्टोरी लाइन करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दो कबूतर मेरे मर चुके थे चींटी लगने के बाद, तो दो ही कबूतर बचे थे। एक बचा था बाबू और एक का नाम हमने कबूतरी रखा था, जैसे कि आपने पार्ट वन में देखा ही होगा। तो उसके बाद फिर हमने वो बढ़िया से साफ करा दरवा दोनों, फिर उनको रखा। फिर उसके बाद जो मेरा दोस्त था कबूतरबाज, उसने मेरा बर्थडे आ गया था उस समय, तो उसने मेरे को एक कबूतर गिफ्ट करा जिसका नाम मैंने सिद्धू मूसेवाला रखा। हाँ, सिद्धू मूसेवाला रखा था उसका नाम, और वो बहुत बढ़िया कबूतर था। उसके पिंजरे में से लाए थे, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया कबूतर पाल रखे जैसे कि। तो फिर उसी में से एक बढ़िया सा कबूतर लाए थे, तो उसने उसे मुझे आड़े गिफ्ट गिफ्ट का किया। जोड़ा लगाना था मैं किसी कबूतरी के साथ। तो उसके लिए फिर मैंने 100 रुपये इकट्ठे करे। फिर मैं उसी उसी पिंजरे जाल पे गया, मैंने बोला अंकल कोई 100 रुपये कबूतर हो तो बता दो। फिर उनने मुझे एक कबूतर दिखाया, कह रहे ये हरा कबूतर है, इसके पंख एक उसका ना एक बाजू का पंख पता नहीं कैसे खराब सा था कुछ। वो कह रहे थे कुछ दिनों बाद पंख आ जाएंगे उसके, लेकिन फिर मैं उन्हीं के कहने पे घर ले आया उसे 100 रुपये में। उसके एक बाजू को पूरा बढ़िया पंख था, एक बाजू के चार पांच सात पर पंख कम थे जिससे उड़ नहीं पाता था। और वो उड़ता तो कैसे था, जो उसे उसे अगर छोड़ दूंगा ना तो यूं यूं गोल गोल घूमेगा, यूं यूं गोल गोल घूमता रहेगा ऐसे। उसकी तो अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। उसका नाम मैंने काड़ा रखा था क्योंकि वो हरा कबूतर था, जंगली जैसा दिखता था। वो अलग ही पता नहीं कैसा कबूतर था। फिर उसका जोड़ा हमने उसके सिद्धू मूसेवाले साथ लगाने का सोचा। फिर जब उसको उसके साथ रखा तो सही मतलब जोड़ा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। वो काड़ा कबूतर में लाया था उसके साथ सिद्धू मूसेवाले के साथ, उसका जोड़ा अच्छे से नहीं लग पा रहा था पता नहीं क्यों। और वो कुछ था ही अलग ही कबूतर था, वो चटक सा कबूतर हरे कलर का। हरे कलर का मतलब ये नहीं है कि वो हरे कलर का हो, हरा मतलब एक कबूतर की ब्रीड होती है जिसमें कबूतर जंगली जैसा लगता है, लेकिन वो जंगली होता नहीं है, पालतू होता है वो। तो सिद्धू मूसेवाले के साथ उसका जोड़ने लग रहा था। फिर मेरे पे 200 रुपये इकट्ठे हुए। फिर मैं फिर जाल पे गया कबूतर लेने, एक बढ़िया सा कबूतर ले कबूतरी लेके आया। उसके पंख में नीले नीला लग रखा था यहाँ पे नीचे की साइड, तो मैं उसको तो लाया। जैसे कि मेरे पे टोटल कबूतर पांच हो चुके थे, एक कबूतरी, एक बाबू, एक सिद्धू मूसेवाला, एक जो कबूतरी लाया था मैं सिद्धू मूसेवाला के साथ जोड़ लगाने के लिए जिसके यहाँ पे नीला नीला था उसका नाम मैंने परी रखा था। तो चार और एक काड़ा, पांच कबूतर हो चुके थे मेरे पे। पांच कबूतर मेरे बढ़िया पाल रखे थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, दाना पानी खिलाओ बंद करो यही सब चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि काड़े का भी जोड़ा लगाऊं। फिर कुछ दिनों बाद मेरा कबूतर बाज वाला दोस्त फिर मेरे घर आया था। उसने देखा कि मैंने सिद्धू मूसेवाला का जोड़ा उस परी के साथ लगा रखा था। वो कह रहा है ये कबूतरी सही नहीं है, ये खस्सी बाजार में 50-50 की मिलती है। फिर उसने मुझे एक कबूतरी ला के दी, कागजी। कागजी एक ब्रीड होते कबूतर की जो पूरा व्हाइट कबूतर होते हैं, पूरा व्हाइट पूरा ऑल ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते कागजी कबूतर। तो कागजी कबूतरी लाया सिद्धू मूसेवाले के संग जोड़ा लगाने के लिए। तो कुछ हफ्ते बीत गए, उसके पंख बंधे हुए थे, तो मेरे को लग रहा था कि अब खोल देते हैं क्या जा रहा है, दोस्त का कबूतर है उड़ेगा तो उड़ेगा, रिस्क ले लेते हैं। फिर मैंने उसका पंख खोल दिए थे मैंने उसके पंख खोल दिए। फिर वो बैठी रही कुछ आधे घंटे तक, मैंने ऐसे चलने दिया जो चल रहा था, दाना खा रहे थे। फिर मैंने उसको हल्का सा छेड़ा, वो एक राउंड लगा के फिर बैठ गई थी छज्जे पे। तो मैं कह रहा आप तो टिक गई भाई, ये टप तो टिक गई पहली बार ही कोई कबूतर टिका है। फिर वो एक राउंड लगा के आई, फिर दोबारा छेड़ा धीरे से। फिर वो एक और छज्जे के वहीं राउंड लगा के वहीं बैठ गई।
ओ अब तो अल्लाह काट दिया कि भाई अब तो कबूतरी टिक गई, पहली बारी कोई कबूतर टिक गया छत पे। फिर उसके बाद उसे कुछ ज्यादा ही छेड़ दे गलती से, तो वो ऐसे दो तीन घर बने ना घर के बगल बगल में, तो जैसे ही वो ऐसे 360 लगाया ना उसने, 360 राउंड लगाया, और फिर उसके बाद भटक गई, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई, आई आई नहीं, फिर उसके बाद गई वो बग्गी, गया भाई टाटा। फिर तो उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर सिद्धू, वही सिद्धू मूसेवाले का, फिर सिद्धू मूसेवाले को परी के संग रखने लग गए, फिर वही परी के संग ही रहता था सिद्धू मूसेवाला, उसके साथ जोड़ा लगाने के लिए, लेकिन जोड़ा तो लगा ही नहीं एंड तक भी। फिर उसके बाद परी के पंख खोले हमने, परी पता नहीं उड़ती नहीं थी वो, कभी दूर वूर नहीं भगती थी। फिर परी पता नहीं अपने आप टिक गई थी, उसको दूसरी छत फेंक देते फिर वो वापस आ जाती थी, बिल्कुल राउंड नहीं काटती थी, ऐसे ऊपर फेंक दो तो ऊपर के ऊपर सीधा नीचे छत पे बैठती थी, हमें ऐसा पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा सिद्धू मूसेवाले के हमने पंख स्टार्टिंग से ही उखाड़ रखे थे उसके, तो बहुत टाइम लग रहा था आने में, कम से कम 1 महीने लग गया था आने आने में पंख, तो अभी तक उसके पंख आए नहीं थे, छोटे छोटे आए रहते। तो उसके बाद परी तो उड़ती नहीं थी, और मेरा एक एम था कबूतर पालने से पहले कि मेरे कबूतर छत के ऊपर कबूतर उड़े मेरे आसमान में, उनको देखो कबूतर कितने कितने, कबूतर बहुत बढ़िया लगते हैं जब आसमान में उड़ते हैं आपके। तो उसके बाद फिर सिद्धू मूसेवाले का जोड़ा लगाने के लिए हम, सिद्धू मूसेवाले का नहीं, हमें काड़े का जोड़ा लगाना, फिर उसके बाद हमें लगाना था काड़े का जोड़ा, काड़ा वेरी टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतर बोल सकते हो उसे। तो उसके जोड़ा लगाने के लिए मैं एक फिर 100 रुपये को कबूतर कबूतरी जो भी था वो लाया, बस उसके साथ रखने के लिए, क्योंकि अलग अलग दरवे होते हैं सबको अलग अलग बंद करते, तो सिंगल बंद होता था, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा एक कबूतर कबूतरी कुछ भी ला देंगे। तो 100 रुपये में लेके गया उस जाल वाले के पास, उसने मुझे एक और कबूतर दिखाया 100 रुपये का, मैं कह रहा हूँ इतना खस्सी कबूतर था ना वो, अगर उसे पकड़ के ऐसे करके यहाँ रख दोगे ना एक कोने पे, तो वहीं पड़ा रहता था वहीं के वहीं, मेरे को पड़े पड़े यूँ उल्टा हो जाता था ऐसे करके पैर ऊपर, इतना खस्सी कबूतर था। उसकी आँख में कुछ दिक्कत हो रही थी, कबूतर वाले ने बोला कि इसकी आँख में 2 ड्रॉप डालोगे ना उसकी, डालने के लिए बोला था कबूतर भाई ने, तो मैं ला के डाली 2 ड्रॉप, और 2 ड्रॉप डाली मैंने उसी के ही जो ऐसे लुढ़क जाता था, 2 ड्रॉप डाली फिर उसको, फिर मैंने सोचा क्या ही उड़ेगा इसकी टेप खोल देते हैं ये, कम से वो एक जगह कोने पे उठा के उधर से चल, तो चल के खाना तो खा नहीं रहे कहाँ उड़ेगा। फिर मैंने भी टेप खोल दिया यार, कहीं मर वर ना जाए फालतू में पंख बंद करके मरे, इससे बड़े पंख खोल दिए मैंने। और 2 ड्रॉप जैसे ही उसको छोड़ा, उसने जमीन जमीन पे पंजे नहीं टेके, जमीन तक पे नहीं उतरा वो, वहीं के वहीं पार सीधा आसमान में 2 राउंड लगाए मस्त, तो उसने यूं 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 देखते हुए जाता है अब तो हो गया आज खेल खत्म, मेरे को तो लग रहा नाटक सा कर रहा था वो, तो ऐसे उल्टा पैर हो के, ये वही कबूतर तो जब 2 सेकंड पहले ऐसे लुढ़क रहा था जहां रख दो वहीं पे, उसके 2 ड्रॉप डालती पार सीधा, अब तो उसकी चील की निगाह बन गई थी मेरे को लग रहा है, चील बन गया था चील, उसने 2 बार 2 राउंड लगा छत पे ही जानबूझ के चिढ़ाने के लिए, वो भग गया पता नहीं कहाँ जैसे फिर उसके बाद ज्यादा बोलता हूँ मैं ना, क्या हो गया, एक वो नहीं होती ट्यूब सी, वो फ्रोजन सी होती है, फ्रिज में रखते हैं काट के फिर लगाते हैं ऐसे ऐसे दबा के, रबड़ सी होती है वो लेके वो